देश में कांग्रेस की फिलहाल तीन राज्यों में सरकार है जहां पर वो अपने दम पर सत्ता पर काबिज है। इसके बावजूद हिमाचल की कांग्रेस सरकार क्यों योगी के हिंदुत्व वाले मॉडल को अपना रही है? ऐसे में हिंदू संगठन और बीजेपी ने जिस तरह मुसलमानों की आबादी से मस्जिद तक के मुद्दों को लेकर माहौल बनाया, उसके बाद कांग्रेस भी अब उसी राह पर चल पड़ी है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश में कांग्रेस की फिलहाल तीन राज्यों में सरकार है जहां पर वो अपने दम पर सत्ता पर काबिज है। इन्हीं में एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ की सुखू सरकार इन दिनों यूपी की योगी सरकार के नक्शे कदम पर चलती नजर आ रही है। बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हमेशा सवाल खड़े रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र सरकार के फैसलों को लेकर कांग्रेस कहती रही है कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और आरएसएस की सोच को पूरे देश पर थोपना चाहती है। इसके बावजूद हिमाचल की कांग्रेस सरकार क्यों योगी के हिंदुत्व वाले मॉडल को अपना रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हिमाचल में भी अब उत्तर प्रदेश की तरह हर भोजनालय और फास्ट फूड की रेहड़ी पर दुकान मालिक की आईडी लगाई जाएगी ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए शहरी विकास विभाग और नगर निगम की बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में शिमला की संजोली मस्जिद को अवैध बताते हुए गिराने की मांग उठाई थी। मंत्री अनिरुद्ध सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सियासी वारिस और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का करीबी माना जाता है। इस तरह कांग्रेस के दोनों ही नेता इन दिनों हिंदुत्व के एजेंडे पर खुलकर उतर आए हैं। शिमला की अवैध मस्जिद का मामला अब दुकानदारों के नेम प्लेट तक पहुंच गया है। कांग्रेस से अब ना निगलने बन रहा है ना उगलते। अनिरुद्ध सिंह ने सिर्फ मस्जिद का मामला ही नहीं उठाया बल्कि घुसपैठियों तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि संजोली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक है। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर पार्टी लाइन से अलग बयान दिया था। उन्होंने वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत बताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, हिमाचल और हिमाचलियत के हित सर्वश्रेष्ठ, सर्वत्र हिमाचल का संपूर्ण विकास, जय श्री राम। समय के साथ हर कानून में तब्दीली लाना जरूरी है। वक्फ बोर्ड में भी बदलते समय के साथ सुधार की जरूरत है। इसके बाद योगी सरकार के एजेंडे को हिमाचल में आगे बढ़ा रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश के खाने पीने की दुकान पर दुकानदारों के नाम लगाने का आदेश जारी किया जिसे पिछले दिनों यूपी में योगी सरकार ने लागू किया। अब इसे लेकर कांग्रेस समाज में भेदभाव पैदा करने का आरोप लगाकर योगी सरकार और बीजेपी पर हमलावर दिखी। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह के आदेश जारी होने के बाद सवाल उठ रहे हैं। धर्म की राजनीति से अभी तक अछूते रहे हिमाचल प्रदेश में हिंदुत्व की सियासत नई करवट लेती नजर आ रही है। हिमाचल की जनसंख्या में 97% आबादी हिंदुओं की है और मुस्लिम समुदाय 2.1% है। यहाँ मुसलमान प्रमुख रूप से शिमला, कुल्लू और मनाली जैसे पर्यटक वाले इलाके में बसे हुए हैं। वहीं कुछ मुस्लिम आबादी कांगड़ा और मंडी जिलों में भी है। हिमाचल पहाड़ी राज्य है जहाँ हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव है। इसे देव भूमि यानी देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। हिमाचल के कई क्षेत्रों का महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में जिक्र मिलता है। देवभूमि होने के नाते यहाँ देवी देवताओं का हर वर्ग पूरा सम्मान करता रहा है। लेकिन देवी देवताओं को लेकर भी कभी चुनावी माहौल नहीं बनाया गया और ना ही कभी सियासत हुई। लेकिन हिमाचल प्रदेश के डेमोग्राफी के आए बदलाव को लेकर इन दिनों हिंदुत्व की सियासत गर्मा गई है। शिमला के एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि हिमाचल में मुस्लिम समुदाय की आबादी इतनी कम है कि वो सियासी तौर पर कोई खास असर नहीं डालते। इस बात को कांग्रेस भी समझ रही है। हिमाचल में जिस तरह मुसलमान दुकानदारों की संख्या बढ़ी है उसके चलते बीजेपी और हिंदू संगठनों ने उसे मुद्दा बनाया। अब ऐसे में कांग्रेस बहुसंख्यक वर्ग को नाराज करने का जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती, जिसके चलते ही विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह जैसे मंत्री खुलकर हिंदुत्व के एजेंडे पर उतर गए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा हिमाचल के स्थानीय नेताओं को अपनी सियासत की चिंता है। हिमाचल के एक और पत्रकार कहते हैं कि विक्रमादित्य बीते कुछ सालों से सॉफ्ट हिंदुत्व के बजाय बीजेपी की तरह हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे हैं। विक्रमादित्य 2024 के चुनाव में मंडी लोकसभा सीट से हार गए जहां पर हिंदू 98.16% और मुस्लिम मात्र 0.95% रहती है। इसकी वजह यह थी कि बीजेपी के कंगना राउत के चुनाव में उतारने से माहौल बदल गया था और हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर राजनीति की थी। कंगना और विक्रमादित्य सिंह के बीच खुद को बड़ा सनातनी बताने की जंग जो है वो जुबानी छिड़ी हुई थी।
कंगना की जीत ने विक्रमादित्य को सियासी तौर पर बड़ा झटका दिया और अब वो खुलकर हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के नए ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरे हैं। सीएम योगी सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं बल्कि जीते भी हैं। यूपी में लव जिहाद, गौ हत्या, धर्मांतरण अपराधियों का एनकाउंटर, सीए प्रदर्शनकारियों पर सख्ती, बुलडोजर एक्शन जैसे कई कदम उठाते हैं जिसे देश के दूसरे बीजेपी शासित राज्यों ने भी अपनाया है। इसलिए कांग्रेस नेता और हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी योगी सरकार के तर्ज पर हिंदुत्व का एजेंडा सेट कर रहे हैं ताकि वो अपनी छवि हिंदुवादी नेता के तौर पर स्थापित कर सकें। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने वाले विक्रमादित्य हिमाचल के एकमात्र राजनेता रहे हैं। देवी देवताओं में पूरी आस्था होने के साथ प्रदेश में सबसे पहले धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने का श्रेय विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस को देते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी विक्रमादित्य ने कहा था कि हिमाचल शक्तिपीठ है, ये देवभूमि है, ये देवी और देवरा की भूमि है। वीरभद्र सरकार ही 2007 में धर्मांतरण विरोधी विधेयक लेकर आई थी। उस समय आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने कांग्रेस को धन्यवाद दिया था। विक्रमादित्य इस तरह ये बताने की कोशिश करते रहे हैं कि उनके पिता वीरभद्र सिंह भी हिंदुत्व की सियासत करते हैं। वहीं हिमाचल के वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि विक्रमादित्य सिंह जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं उनके पिता हिमाचल में वैसा ही करते रहे हैं, लेकिन उनका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता रहा है। राज्य में बदले हुए सियासी समीकरण और आर्थिक स्थिति को देखते हुए कांग्रेस की सरकार कश्मकश की स्थिति में है। बीजेपी सत्ता से बेदखल होने के बाद से हिमाचल में हिंदुत्व की राजनीति को धार दे रही है, जिसके चलते कांग्रेस की सरकार भी उसी पिच पर उतर आई है। कांग्रेस नेताओं को पार्टी से ज्यादा अपनी राजनीति की चिंता है, उसे ही बचाने के लिए हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कभी कोई मुस्लिम विधायक नहीं रहा और ना ही किसी को लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौका मिल पाया है। हिमाचल में पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जिसमें कुछ हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिमों को निशाना बनाया था। कांगड़ा जिले के नगरोटा में अन्य प्रदेशों से आकर दुकान चला रहे युवकों की पिटाई हुई थी। पुलवामा के हमले के बाद पालमपुर में कश्मीरी युवकों को निशाना बनाया गया था। इसके बाद शिमला की मस्जिद का मुद्दा उठने के बाद कई और भी मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही राज्य की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल होती चली गई। ये बात किसी से छिपी नहीं है। जिस तरह के दावों और वादों को चुनाव के समय जनता के बीच रखकर कांग्रेस यहां सत्ता में आई थी, उसे पूरा करने में राज्य सरकार के खजाने खाली हो रहे हैं और अब वहां सरकार के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में हिंदू संगठन और बीजेपी ने जिस तरह मुसलमानों की आबादी से मस्जिद तक के मुद्दों को लेकर माहौल बनाया, उसके बाद कांग्रेस भी अब उसी राह पर चल पड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।